मैं आज हम सब मिलके वहाँ पे एलजी सर से मिले थे। तो ये जो वैक्यूम प्रॉपर्टी के कंसर्निंग जो भी इश्यूज थे हमने उनसे डिस्कस किए, और भी बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए। उन्होंने बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से हम सब की बात सुनी। हमने बोला उन्हें कि हमें उन्हें ऑनरशिप राइट्स मिलने चाहिए जो वैक्यूम प्रॉपर्टी में रहते हैं। अगर नहीं भी दे सकते तो उनकी जो सबलेटिंग की प्रॉब्लम्स है, जो भी उनकी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, वो उन्हें सॉल्व करनी चाहिए, या तो वो सब डिपार्टमेंट उनका सॉल्व करे। जैसे हमने कि गन लाइसेंस है, जैसे हमारे जम्मू के में बहुत से जैसी प्रॉब्लम है हमारे जम्मू में, जैसे लोग फेस करते हैं, इसके लिए गन बहुत, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है हर एक के। एक अच्छे से उनकी सारी तहकीकात करके तो उनको ये प्रोवाइड करनी चाहिए गन लाइसेंस, ये ओपन करने चाहिए इश्यूज। बाकी मेरे सारी डिटेल हम सब मेरे भाई बताएंगे आपको, पुरुषोत्तम जी रखेंगे आपके आगे सारी डिटेल। कस्टोडियन डिपार्टमेंट के लिए हमने स्पेशली बोला उनको, तो उन्होंने कहा इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा सारा, जे आपको मालकाना हक मिलेंगे। और दूसरा उनको हमने ये बोला, जब तक ये क्लियर नहीं होता है, ओनरशिप नहीं मिलती है, तब तक हमें जो टेनेंट रह रहे हैं उनको फैसिलिटी ये मिलनी चाहिए कि जो झर्झर हालत में है मकान, उनको गवर्नमेंट रिपेयर करके दें। तो उसके अलावा हमने कहा जो अपने से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो उनसे जो एक प्रीमियम लेते हैं वो उनसे ना लिया जाए। उसके अलावा गन की जो बात की है, तो गन का ये है कि एलजी साहब तो कह रहे हैं कि ऑर्डर है गन के लिए, रिन्यू हो रहे हैं, पर रिन्यूअल के अलावा नए के भी बात की हमने, तो कहे जो वो हमने ऑर्डर किया है। मैंने कहा कि स्पेशली उनको डायरेक्ट किया जाए कि जो भी फॉर्मेलिटी या अफॉर्मेलिटी लेकर के उनको लाइसेंस इशू करें, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में जम्मू है और पूरी स्टेट ही है, तो आजकल जो हालात हैं, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक। उसके बाद हमारा जो मिनी स्टेडियम है परेड, उसका नाम असेंबली में पास हुआ है प्रेमनाथ डोगरा स्टेडियम के नाम से, तो उनका भी बोला, तो उन्होंने बोला जी जल्दी हम इसको कर देंगे, इसका नाम जो है चेंज, और जो वहाँ पे एक्टिविटी होती है वो भी देखेंगे। तो उसके अलावा हमने वहाँ पे जो राशन कार्ड का भी मुद्दा उठाया, जो राशन कार्ड की वाइफिकेशन पिछले 8-10 साल से बिल्कुल ही नहीं हो रही, परिवार बढ़ रहे हैं, लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है, और वहाँ पे जो एक नाम दिया गया CAPD डिपार्टमेंट की तरफ से PHH, और जबकि ये PHH ही BPL है ये कहते हैं डिपार्टमेंट है, पर अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है हॉस्पिटल में, उससे BPL मांगा जाता है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी लैंग्वेज तो ठीक करनी चाहिए, सबकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर PHH ही BPL है तो उसको सुनाना चाहिए सबको, नीचे क्लरिकल स्टाफ को भी पता होना चाहिए कि यही BPL है। ऐसे राशन कार्ड को वाइफिकेशन करने के लिए भी खोलनी चाहिए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। जो पेंशन वाला इशू है वो भी इसके साथ ही जुड़ता है, जो ओल्ड एज विडो पेंशन, जो सोशल वेलफेयर, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हो रही, उसके कारण कार्ड BPL नहीं बन रहे, तो इसलिए इस डिपार्टमेंट को भी ये देखना चाहिए। हमने एलजी साहब से इस बात की भी गुहार लगाई है, और उन्होंने बोला है कि ये मेरे ध्यान में आया है, इसको हम आने वाले दिनों में इसको ठीक करेंगे।